हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आई एम निशांत कुमार हियर. यू कैन सी द रेलवे प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन, जो हमारे रेलवे में जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके डिस्कस करेंगे. जनरली हमारे यहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब किया जाएगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. थैंक यू सो मच. यू कैन फॉलो मी यूट्यूब, डी ट्यूब, वीमियो, डेली मोशन, वीओ, मेटा कैफे, ब्रैक्स, ETC. आप मुझे देखना चाहें तो आप यूट्यूब, डी ट्यूब, वीमियो, डेली मोशन यहाँ पर देख सकते हैं इन लेक्चर को. तो हम आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे कम्युनिटी का मेम्बर बनने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच. आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस. थैंक यू. टू का जो पार्ट बी टेक्निकल पार्ट है उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो उसी CBT 2 पार्ट बी जो टेक्निकल है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है एज पर DGT सिलेबस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है. इस वीडियो के अंदर जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चीज को मैंने फोकस किया है और उससे रिलेटेड मैंने MCQ को भी डाले हुए हैं. तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिए एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी. तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसे. तो दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी ट्रेड की जो सफलता और प्रगति है वो सुरक्षित कार्यक्षेत्र तथा उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है. यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो किसी भी वर्कशॉप की जो प्रगति तभी संभव है जब आप स्वस्थ हैं और आपके कार्य करने का तरीका सही है. तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए DGT ने इस टॉपिक को सिलेबस में डाला है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट होते हैं वो क्या है. तो इसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स नोट किए हैं. जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके प्रति आप गंभीर नहीं हैं, यानी आप मजाक में कर रहे हैं उस काम को या आप सीरियसली नहीं ले रहे, तो वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरा, जो भी वहां के सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने लेने हैं आप वो सेफ्टी प्रिकॉशंस ले नहीं रहे हैं, तो अगर आप सेफ्टी के प्रति लापरवाह हैं तो वहां पे दुर्घटना बढ़ जाएगी. उसके बाद है टूल्स का सही प्रयोग ना करना. यानी अगर आप सही टूल्स सही जगह प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है. उसके बाद सेफ्टी सिंबल्स का पालन ना करना. यानी आप देखते होंगे कि बहुत जगह कंपनी के अंदर या इवन हम रोड पे भी चलते हैं वहां पे भी बहुत सारे हमारे सेफ्टी सिंबल्स शो किए जाते हैं. तो उन सेफ्टी सिंबल्स को शो कराने का मतलब ही यही होता है कि आप उनको देखें, समझें और उनका हमेशा फॉलो करें, उनको हमेशा फॉलो करें. तो दोस्तों, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से जो क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम उन्हीं के ऊपर मैंने फोकस किया है, जिसमें कि 2 पॉइंट बहुत ज्यादा मेन है, जिसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी सिंबल्स. तो सेफ्टी सिंबल्स की अगर बात करें तो वो 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है प्रोविजन सिंबल्स यानी निषेधात्मक संकेत. सेकंड होता है मैंडेटरी सिंबल्स अनिवार्य संकेत. थर्ड होता है वार्निंग सिंबल्स जो चेतावनी संकेत होते हैं. और हमारा फोर्थ होता है इंफॉर्मेशनल सिंबल्स यानी सूचनात्मक संकेत. तो सबसे पहले हम निषेधात्मक संकेत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये क्रॉस रेड सर्किल होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक रेड सर्किल बना हुआ है और वो क्रॉस है. और इसमें कलर क्या क्या होते हैं, तो ब्लैक सिंबल होता है, यानी जो इसके अंदर सिंबल बना हुआ वो ब्लैक कलर का बना हुआ होता है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर का होता है. और इस निषेधात्मक संकेतों का मतलब होता है कि डोंट डू दिस टाइप, यानी ऐसा आपको नहीं करना है. तो दोस्तों, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं कि बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है या ये सिंबल्स आपको बना के दे देगा, पूछ लेगा कि कौन से टाइप का सिंबल है, मैंडेटरी सिंबल है, वार्निंग सिंबल्स है या इंफॉर्मेशनल सिंबल्स है या इनमें से कोई नहीं है. तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस आते हैं. हालांकि आगे मैंने MCQ डाले हुए हैं इसके,
तो उसमें हमारा और क्लियर हो जाएगा। सेकंड से हमारा मैंडेटरी सिंबल्स। तो मैंडेटरी सिंबल्स के अंदर क्या होता है, हमारी जो शेप होती है सिंबल्स की वो भी सर्कल ही होता है, लेकिन ये क्रॉस नहीं होता है। दूसरा, इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होगा और व्हाइट कलर से सिंबल बना हुआ होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है और जो सिंबल बना हुआ है व्हाइट कलर का बना हुआ है। और इसका मीनिंग होता है, यानी जो मैंडेटरी सिंबल्स है इनका मतलब होता है व्हाट टू डू, यानी क्या करना है। तो जैसे कि सिंबल्स में जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि हमें चश्मा पहनना है, वियर गूगल्स। तो ऐसा सिंबल जहां भी लगा हुआ है इसका मतलब है कि आपको वहां पर चश्मा पहनना है, दैट्स इट। थर्ड है हमारा वार्निंग सिंबल्स, चेतावनी संकेत। इस सिंबल्स को आपने बहुत जगह देखा होगा और खासकर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर तो आपने देखा ही होगा। तो इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगल शेप होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसका जो कलर होता है, यानी जो बैकग्राउंड कलर होता है, वो येलो कलर का होता है एज पर फिगर, और जो इस पे सिंबल बनाया जाता है वो ब्लैक कलर से बनाया जाता है। और इसका अर्थ होता है, इस सिंबल का जो अर्थ होता है, ट्रबल और फियर, यानी भय और डर। यानी इससे इस टाइप के सिंबल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी इस टाइप का सिंबल्स बनना है वहां पे आपको किसी तरीके की परेशानी हो सकती है, आपको किसी तरीके का डर हो सकता है वहां पे। तो इस सिंबल में जो हम देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक हजार्ड का। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के पीछे कवर पे ये सिंबल लगा हुआ होता है और वहां पे लिखा होता है डू नॉट ओपन दिस, हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज रिस्क, इस टाइप का। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर अगर आपने उसको खोला तो किसी तरीके की ट्रबलिंग हो सकती है या आपको उससे डरना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड वार्निंग सिंबल्स होते हैं। इसका फोर्थ और लास्ट सेफ्टी सिंबल्स है इंफॉर्मेशन सिंबल्स, यानी सूचनात्मक संकेत। इसकी शेप रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो सिंबल होगा वो व्हाइट कलर का होगा। जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो है हमारा ग्रीन कलर में और इस पे बना हुआ जो सिंबल है वो व्हाइट कलर से बना हुआ है। तो इस सिंबल का मीनिंग होता है प्रोवाइड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, यानी आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि नॉर्मल हम रोड पे भी चलते हैं तो रोड पे जो सेफ्टी साइंस बने होते हैं तो ग्रीन कलर का एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीजें लिखी हुई होती है, उनका सिंबल भी होता है, जैसे कि आगे हॉस्पिटल है या फिर आगे रेस्टोरेंट है। तो ये सारे चीजें हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो सिंबल बना हुआ ये हमारा फर्स्ट एड का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये मेन चार सेफ्टी सिंबल्स थे हमारे, फोर टाइप के, जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं वो आगे हम एमसीक्यू में एक बार देखेंगे तो हमें वो क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि ये हमारे निषेधात्मक टाइप के हैं, नॉट नो स्मोकिंग, नॉट ड्रिंकिंग, फ्लेमेबल लिक्विड, नो अनऑथराइज एंट्री, स्मोकिंग एंड नेक फ्लेम प्रोटेस्टेड। तो ये सारे हमारे सिंबल्स हैं वो निषेधात्मक है। उसके बाद हमारे वार्निंग सिंबल्स में यहाँ पर कई सारे सिंबल्स मैंने दिखाए हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज, इसका मतलब होता है पॉइजन या टॉक्साइड टाइप का है, इसका मतलब है फ्लेमेबल। ये है बायो हजार्ड्स का वार्निंग सिंबल्स है, ये रेडिएशंस का वार्निंग सिंबल्स है। ये वाला सिंबल्स आपने ज्यादातर टावर्स पे देखे होंगे। उसके बाद स्लिपरी सरफेस है। इसी तरीके से ये सारे सिंबल्स हमारे वार्निंग साइंस है, इनको आपको याद करना होगा क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ये यहाँ पे कुछ हमारे मैंडेटरी सिंबल्स को दिखाए गए हैं, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट मस्ट बी वर्न, प्रोटेक्टिव फुटवेयर मस्ट बी वर्न, प्रोटेक्टिव ग्लव्स मस्ट बी वर्न, आई प्रोटेक्शन मस्ट बी वर्न। तो ये सारे हमारे मैंडेटरी सिंबल्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, यानी आपका इंडस्ट्री में है तो आपको
अगर ये सिंबल्स कहीं शो है तो वहां पे आपको हेलमेट पहनना है, ये शूज पहनना है, ये ग्लव्स पहनने के लिए है, और ये अपने आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो यानी चश्मा पहनने के लिए है। उसके अलावा ये हमारे इंफॉर्मेटिव सिंबल्स बने हुए हैं, यानी जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 4 टाइप के सिंबल्स हैं जिनको हमने देखा यहाँ पे। अब आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड मेन टॉपिक है ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी के अंदर, वो है फायर के टाइप्स एंड उसको बुझाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, यानी जो हम एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम फायर की बात करें तो क्या है फायर? हमारा एक ऐसा रैपिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिससे हमारा हीट, लाइट, फ्लेम एंड साउंड एमिट होता है। तो ये एक हमारा फायर ट्रायंगल है जिसमें कि इस ट्रायंगल में यहाँ ऑक्सीजन लिखा है, ये फ्यूल लिखा है और ये हीट लिखा है, यानी ये ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिनसे आग लगती है। तो अगर हमें आग को बुझाना है तो इन 3 एलिमेंट्स में से, ये इन 3 फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर को हमें खत्म करना होगा, तो इस तरीके से हमारी आग बुझ जाएगी। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर। तो सबसे पहला जो फायर होता है वो क्लास ए टाइप का फायर है। इसका एग्जाम्पल है जैसे फ्री बर्निंग मटेरियल्स हैं, पेपर है, वुड्स एंड लकड़ी है एंड प्लास्टिक्स है। और इस टाइप के फायर को बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, यानी जो बुझाने के लिए हमारे अग्निशामक यंत्र यूज होते हैं, वो वाटर फेल टाइप के होते हैं, यानी नॉर्मल पानी से इस आग को बुझाया जा सकता है। तो आपने ये देखा ही होगा, बहुत जगह आपने इस सिलेंडर को देखा होगा। तो ये सिलेंडर जो होता है हमारा अग्निशामक यंत्र कहलाता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है, जिससे कि हम आग को बुझा सकते हैं। तो दोस्तों इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बेसिकली पूछे जाएंगे, क्लास ए में कौन कौन से टाइप के फायर आते हैं, या फिर क्लास ए के फायर को बुझाने के लिए किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, यानी किस टाइप के अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट में एमसीक्यू में डाले हुए हैं, तो उनको वहां पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा हमारा है क्लास बी टाइप का फायर। तो क्लास बी के फायर में जो आते हैं वो फ्लेमेबल लिक्विड्स आते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट, पेंट्स आदि। और इसको बुझाने के लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो फार्म टाइप का यूज करते हैं, यानी यहाँ पे आप पानी वाले फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें फार्म टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना पड़ेगा। अब हमारा जो थर्ड है वो क्लास सी टाइप का फायर है। तो क्लास सी टाइप के फायर में हमारे आते हैं फ्लेमेबल गैसेस आ जाते हैं, जैसे कि मेथेन, हाइड्रोजन, ये सब। और इसको बुझाने के लिए जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है वो है ड्राई पाउडर टाइप, यानी यहाँ पर हम ना ही पानी यूज कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर हम फॉर्म टाइप का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ड्राई पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा। इसके बाद है हम क्लास डी फायर। क्लास डी के फायर में हमारे पास जो है जो होता है मेटल में लगने वाली आग, या इलेक्ट्रिक वायर के अंदर लगने वाली आग, या पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनके अंदर जो लगने वाली आग होती है वो क्लास डी टाइप की आग होती है। और इसको बुझाने के लिए हम सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। इसके अलावा एक हेलोन कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का भी होता है, उसका भी यूज हम इलेक्ट्रिक वायर्स में लगने वाले आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे टाइप ऑफ फायर के क्लास थे, 4 क्लास थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ से आते हैं। तो इसमें जो, जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि अगर ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करें तो इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेफ्टी सिंबल्स के ऊपर बनते हैं एंड सेकंड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फायर्स के ऊपर बनते हैं, बाकी इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टाइप का ये सेफ्टी सिंबल्स है,
तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि अगर किसी का रेड कलर का क्रॉस सर्कल है और उसमें ब्लैक कलर का कोई सिंबल बना हुआ है तो वो हमारा निषेधात्मक टाइप का होता है। तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि चित्र में दर्शित वर्ग डी यानी क्लास डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है। तो हमने भी पीछे अभी रिसेंटली ही डिस्कस किया कि क्लास डी के लिए जो फायर एग्जीक्यूटर है हमारा वो होता है सीटीसी टाइप। ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी, झाग शामक यानी फार्म टाइप, जल से भरा शामक यानी वाटर टाइप एंड गैस कारतूस हेलोन शामक। तो सबसे जो बेस्ट होता है वो हमारा होता है सीटीसी अग्निशामक। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चेतावनी संकेत में दर्शाए गए हैं कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को दर्शाता है। तो ये हमारे जितने भी सिंबल्स बने हुए हैं वार्निंग सिंबल्स बने हुए हैं यानी चेतावनी संकेत है, तो इसमें जो खतरे की आशंका को दिखाता है वो हमारा ये सिंबल दिखाता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फायर से है। तो फायर से है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है यानी फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें। तो इसमें ऑप्शन दिया है फॉर्म टाइप, रेत की बाल्टी यानी सैंड बकेट या वाटर बकेट या फिर ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सक्यूटर। तो हमने देखा था कि जो ये पेट्रोल से लगने वाली आग है वो क्लास बी टाइप की आग है और क्लास बी टाइप की आग को बुझाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम करते हैं फॉर्म टाइप फायर एक्सक्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फॉर्म टाइप फायर एक्सक्यूटर। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि सुरक्षात्मक संकेत से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है यानी इंफॉर्मेटिव जो सिंबल्स होते हैं उनसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है यानी बैकग्राउंड ब्लू होता है, बिल्कुल नहीं। इसकी आकृति वर्गाकार होती है। इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इनकी आकृति त्रिज्वाकार होती है। यानी देखिए इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे हैं इसकी, सॉरी, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सही होगा कि इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है कि सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन से टाइप का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है यानी ऐसा कौन सा फायर एग्जीक्यूटर है जिसका यूज आप सभी टाइप के आग को बुझाने के लिए कर सकते हो। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं सीटीसी अग्निशामक, CO2 अग्निशामक और शुष्क पाउडर या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें से सीटीसी ही एक ऐसा फायर एक्सक्यूटर है जिसका यूज आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी सबके लिए आप यूज कर सकते हो। CO2 का नहीं कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का केवल केवल आप क्लास सी टाइप के लिए करते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा सीटीसी अग्निशामक यंत्र सही होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं आगे आने वाले टॉपिक के ऊपर मिलती रहे। और जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बनाने वाला हूँ जो कि एज पर DGT सिलेबस ही होगा। और मैं उन चीजों पे ही फोकस करूंगा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं और उसके जो MCQ हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, गुड बाय।